हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ग किचन। मैं बॉन्ग किचन में लाई हूँ मैंगो लवर्स के लिए एक रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं मार्केट जैसे मैंगो जैम, और वो भी बस 3 इंग्रेडिएंट्स से। बिना प्रिजर्वेटिव्स के भी इस मैंगो जैम को आप स्टोर कर सकते हैं साल भर। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कैसे आप इसको साल भर स्टोर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने यहाँ मैंगो जैम बनाने के लिए लिया है फ्रेश मैंगो। मैंने आज लिया है 500 ग्राम मैंगो। इसका ना हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये बन गए हमारे मैंगो पेस्ट। चलिए फिर नेक्स्ट प्रोसेस के ओर। मैंने यह लिया है 400 ग्राम चीनी। चलिए फिर कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंगो जैम ना आप घर में आसानी से बना सकते हैं। इसमें मैंने कोई भी एसेंस ऐड नहीं किया है। मैंगो प्यूरे को हमने कढ़ाई में ऐड कर लिया है। फ्लेम ना हमें लो में ही पकाना है इसे। इसको हमें अभी कच्चा स्मेल जाने तक पका लेना है। देखिए इसमें बॉयल आने लगे हैं। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे 300 ग्राम चीनी। 100 ग्राम हम बाद में ऐड करेंगे। फिर क्या है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो रेसिपी है ना, हम पूरी रेसिपी लो फ्लेम में ही बनाएंगे। अभी आपसे क्या छुपाना, मैं ना यहाँ येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, वो मार्केट वाले जैम जैसे कलर लाने के लिए। ये ऑप्शनल है, सिर्फ मैंगो से वो मार्केट वाले कलर तो नहीं आते हैं। इसको ना हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। चम्मच ना हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये ना नीचे से लग जाएगा। ये देखिए थोड़ा ये गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस 3 स्पून। लेमन जूस से ही ना हम इसको स्टोर कर पाएंगे साल भर। चाहे तो इसमें विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। ये था ट्रिक नंबर 1 स्टोर करने के लिए। अभी और भी ट्रिक है। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो 100 ग्राम शुगर थे ना, उसको भी ऐड कर देंगे। और चम्मच को तो चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या है ना, नीचे से जल जाएगा। इसे हमें अभी लो स्टीम में ऐसे ही पकाना है, और चम्मच को चलाते रहिए, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे। ये ऑलमोस्ट डन है, देखिए ये है ना एकदम परफेक्ट। और देखिए इसमें जाली भी बन रहे हैं। अभी रिवील करेंगे ट्रिक नंबर 2 इसको स्टोर करने के लिए। इसको ना गर्म ही हम लोग शिफ्ट कर देंगे कोई भी ग्लास कंटेनर में, तो ये ना साल भर ख़राब नहीं होगा। तो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।